नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। कोरोना की महामारी से पूरा देश इस वक्त जूझ रहा है। 21 दिन का लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में हर आदमी अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है और साथ ही साथ सरकार ने यह निर्देश दे रखा है कि अगर आप अपने घरों में नहीं रहेंगे तो आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से यूपी में भी लगभग 15 जिलों को जो है कंप्लीटली सील करने की बात आई थी और वहां के जो संक्रमित इलाके हैं इन जिलों में उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा लगता है जैसे कि ठान लिया है कि हम तो नहीं सुधरेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, सरकार चाहे जो कहे, करेंगे हम वही जो हमारा मन चाहेगा, जो हमारा दिल चाहेगा। बात मजहब की नहीं है, बात धर्म की नहीं है। द फ्रंट पे हम किसी भी धर्म या मजहब की आलोचना नहीं करते हैं और ना ही किसी भी समुदाय विशेष की बात करते हैं। लेकिन कोरोना की इस महामारी में एक समुदाय विशेष जिस तरीके का बर्ताव कर रहा है, जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है, वो जानलेवा साबित हो सकता है लाखों करोड़ों लोगों के लिए। कंप्लीटली जो जिन इलाकों में एकाध केस आया था उन इलाकों को सील करने का आदेश दिया था यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। इन इलाकों में ग्रेटर नोएडा भी आता है, ग्रेटर नोएडा के कुछ इलाके आते हैं, लेकिन जब उसकी निगरानी की गई ड्रोन कैमरे से तो ये देखा गया कि उन इलाकों में जो कि कंप्लीटली सील किए गए हैं, उन इलाकों में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग एक साथ बैठ करके ताश खेल रहे हैं, लोग एक साथ जमघट लगा करके गप मार रहे हैं, जबकि उन इलाकों में साफ तौर से ये कहा गया है कि बाहर के का कोई भी शख्स उस इलाके के अंदर नहीं जाएगा, उस इलाके का कोई भी शख्स बाहर नहीं जाएगा, ताकि कोरोना से जो संक्रमित हो सकते हैं वो उनका उनकी संख्या न बढ़ सके। जो एक संक्रमित लोगों का इलाका है उसको उस दायरे को कंप्लीटली सील किया जा चुका है, लेकिन इन लोगों को मानने की कोई जहमत उठाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, तस्वीरें आई जुमे की नमाज पढ़ने के लिए ग्रेटर नोएडा के एक मस्जिद में 30 से 40 लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस वहां गई और पुलिस को जाकर के उन लोगों को समझाना पड़ा, उन लोगों को मनाना पड़ा। आपको पता है कि एक लगभग 10 दिन से ये बात सबके जहन में है कि एक तबलीगी जमात की मरकज की वजह से पूरे देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में किस तरीके से इजाफा हुआ है। 1000 से ज्यादा तबलीगी जमात के लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और हाल ही में जो दिल्ली में चांदनी महल इलाके में ये पता चला है कि 13 मस्जिदों में लगभग 120 लोगों के आसपास, 100 से 120 लोगों के आसपास वहां पे छुपे हुए थे और उनमें से 10 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। हास्यास्पद है ये। क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको ये नहीं बात समझ में आ रही है कि लगातार अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप भीड़ नहीं इकट्ठी करें, किसी भीड़ का हिस्सा ना बने, तो इसके बाद भी आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में 50 लोगों को एक साथ इकट्ठा करेंगे और इकट्ठे होंगे, उनमें से भी 10 लोग अगर कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं तो वो कितने ज्यादा लोगों को संक्रमित करेंगे। द फ्रंट में हमने आपको पहले भी कल भी एक बात बताई थी कि बिहार के सिवान जिले में एक शख्स जो कि ओमान से लौटा था वो कोरोना से संक्रमित था और उसके साथ साथ उसके परिवार के 23 लोग संक्रमित हुए। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वहां धर्म आकर के बचा लेगा किसी को? किसी के अल्लाह, किसी के भगवान, किसी का ईशु, किसी का गॉड आकर के लोगों की रक्षा कर लेगा, बचा लेगा? शायद नहीं। आप ये समझिए कि धर्म जो है वो इंसानियत का सबसे बड़ा है और इंसानियत का तकाजा इस वक्त ये है कि सरकार जो निर्देश दे रही है इस महामारी से निपटने के लिए, आप उसका पालन करें। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। जैसे हालात हमने आपको ग्रेटर नोएडा के बताए, वही हालात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखी। वहां भी एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोगों की संख्या 100 से ऊपर थी और वहां भी पुलिस को जाकर के काफी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को, वहां के जो नमाज पढ़ रहे थे उनको समझाने में, उनको बताने में। ये मतलब अजीब स्थिति है। आखिर आप समझने को तैयार क्यों नहीं है? दिल्ली में आपको बताएं कि जो नए मामले आए हैं, 183 नए मामले आए हैं, इनमें से 183 में से 154 कोरोना के पॉजिटिव मामले जो आए हैं वो मरकज से जुड़े हुए हैं, निजामुद्दीन इलाके से जुड़े हुए हैं।
अलग बात है, अगर आपने ठान लिया है कि अपने साथ साथ पूरे देश को मौत की नींद में सुलाना है तो अलग बात है, लेकिन फिर सरकारों को भी आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त का जो तकाजा है, इस वक्त की जो जरूरत है वो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान कैसे बचाई जा सके। हर सरकार, हर बुद्धिजीवी, हर नागरिक देश का आज इस बात की कोशिश में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कैसे जान बचाई जा सके, क्योंकि भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में अगर ये महामारी कम्युनिटी में फैलती है तो उसको कंट्रोल कर पाना बेहद बेहद मुश्किल होगा। सरकार ने अब तक 49,000 वेंटिलेटर्स मंगाए हैं, 49,000 वेंटिलेटर्स इस 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में कुछ नहीं होता है। अगर महामारी लाखों की संख्या में फैली, जो कि स्पेन, इटली और अमेरिका के हालात हैं, तो हमारे लिए ये कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को समझें, धर्म से ज्यादा इंसानियत को तरजीह दें और उसके अनुसार काम करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।